स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज के इस वीडियो में। यहां पर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं, सबसे पहले अवकाश के संबंध में सूचना है, थोड़े से लेटर हैं जिनके बारे में मैं चर्चा कर लूंगा क्योंकि सर्दी बढ़ रही है, तो ऐसे में बहुत सी जगह अवकाश भी घोषित हैं और बहुत से जगह केंद्र भी खोले जा रहे हैं, तो यहां पर कुछ जानकारी आपकी शायद हेल्प कर सके। आगे कहना चाहूंगा, यहां पर धरने से रिलेटेड मैं आज अपनी बहनों की आवाज लगाने वाला हूं। यहां पर कल मैसेज आ चुके थे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला विद्यालय जो आपके निरीक्षक हैं आजमगढ़ से 8/1/2020 कल जो है 8 जनवरी को लेटर जारी किया गया, बताया गया है वहां पर जिलाधिकारी के जो है स्तर से कि 9 तारीख और आपका 10 तारीख स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद रहेंगे, प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक के लिए आदेश है। तो प्राइमरी से लेकर अगर डिग्री कॉलेज तक के लिए आदेश है तो यहां पर ऐसे में आप सोच सकते हैं आंगनबाड़ी बहनों की छुट्टियां होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे इस देश का कि यहां पर ना तो जिलाधिकारी महोदय ना तो नेता लोग जरा भी इन चीजों पर गौर करते हैं कि छोटे बच्चे हैं, प्राथमिकता इन्हीं की बनती है, तो यहां पर ना ही कुछ मेंशन भी किया गया है। और फिलहाल के लिए आप जानते हैं अवकाश वहां पर होगा भी आजमगढ़ में, तो आंगनबाड़ी बहनों अपना पता कर लीजिए, बच्चों का भले ही हो सकता है लेकिन आपको तो केंद्र पर जाना ही पड़ता है। वैसे ही गोंडा से एक लेटर जारी किया यानी कि ट्वीट किया है गोंडा के डीएम ने, उनका कहना अत्यधिक ठंड और खराब मौसम के कारण 9 जनवरी को जनपद के समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय गैर सरकारी शिक्षण संस्थान कक्षा 8 तक के लिए बंद रहेंगे। 10 जनवरी को जो है पस्का पर्व के कारण स्थानीय अवकाश रहेगा, अतः 11 जनवरी को समस्त विद्यालय पूर्ववत खुलेंगे। तो यहां पर 10 को अवकाश है वहां पर, अब 11 तारीख को सीधा गोंडा में केंद्र स्कूल वगैरह खोले जाएंगे, तो कक्षा 8 तक के लिए सूचना है। तो 8 के लिए जब बच्चों के लिए सूचना है तो क्या आंगनबाड़ी में तो उनसे भी छोटे हैं, तो उनका तो होना चाहिए, अगर इंसानियत के नाते देखें, समझदारी के नाते देखें तो छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन यहां पर पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है। यह सब कुछ इस वजह से कि आंगनबाड़ी के बच्चों और आंगनबाड़ी पर ना तो सरकार ना तो विभाग ना तो अधिकारी कोई भी फोकस नहीं करता कि इनकी स्थिति कैसी है, इनमें सुधार करने की जरूरत है, किया जाए या ना किया जाए इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। आगे आप लोगों से कहना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर से हमारे पास एक लेटर लगा हुआ है, 8 तारीख कल का ही जारी किया हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है मुजफ्फरनगर के, उन्होंने लेटर निकाला है। उन्होंने भी यहां पर कह दिया है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, यहां पर उन्होंने बहुत अच्छा किया, आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उन्होंने जिक्र किया है, ये देख सकते हैं जो आपके आंगनबाड़ी केंद्रों ये देख सकते हैं, तथा मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है 12/1/2020 तक अवकाश रहेगा। तो मुजफ्फरनगर में जो भी भाई बहन है आंगनबाड़ी वाले भी, मैं बता दूं 12 तारीख तक के लिए अवकाश है। अब अवकाश ऐसे रहता है कि बहनों आपकी छुट्टियां नहीं होती अक्सर, काफी जिलों में हमने देखा है सिर्फ बच्चों की छुट्टियां कर दी जाती हैं, लेकिन आप लोग अपने जो है जिस तरह से काम करते हैं वैसे ही आपको करने पड़ रहे हैं, तो यहां पर यह भी एक दुर्भाग्य समझ सकते हैं। तो आगे आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कुछ और लेटर, जैसा कि रायबरेली से आप देख सकते हैं कल का ही 8 तारीख का जारी किया हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, वहां पर भी बताया जा रहा है 9 तारीख को यानी कि आज के दिन जो है प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के लिए जो है अवकाश वगैरह के संबंध में सूचना है। तो यहां पर भी रायबरेली में आज तक के लिए यानी कि 9 तारीख आज है, आज ही जो है अवकाश बताया गया। बीपीएन सिंह हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली के, उनकी तरफ से जारी किया हुआ लेटर था। अब आगे हम आप लोगों को ले चल रहे हैं, अभी और अभी चीजें दिखाएंगे। ये तो आप लोगों को जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, दामोदर पांडे भाई हैं आंगनबाड़ी सेविका चकाई बिहार वगैरह से, तो उन्होंने पोस्ट डाल रखी है भाई ने, उन्होंने आवाज लगाई अपने मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी का जो है डाक बंगला चौराहा पटना पर धरना प्रदर्शन वगैरह। आप देख सकते हैं काफी संख्या में वहां पर भी बहने रही हैं, ये छोटा सा छोटे छोटे वीडियो भी आए हैं। अब वीडियो में चैनल पर दिखा तो सकता हूं लेकिन बात वही आती है, फोटो में भी आप देख सकते हैं वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो वीडियो में ऐसा होता है पता नहीं कौन चैनल वाला क्या सोच करके बैठा है, बाद में स्ट्राइक वगैरह भेजना चाहे और इससे चैनल को ही दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैंने चाहा कि आवाज लगाई जा सकती है ऐसे, और वीडियो भी फेसबुक पेज पर मैं डालता रहता हूं, वहां पर भी काफी सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। ये हमारी सुनंदा तिवारी बहन है और ये जो है जो आपके जिला अधिकारी महोदय हैं उनको लेटर वगैरह थमा रही हैं, अभी कल 8 जनवरी की हड़ताल में ही ये सब कुछ जो है देखने को मिला फतेहपुर में। तो यहां पर भी बहन ने क्या आवाज लगाई, क्या उन्होंने कहा, मैसेज छोड़ा है, तो ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। और इस लेटर के जरिए, ये लेटर जो जिलाधिकारी महोदय के हाथ में हमारे सुनंदा तिवारी बहन दे रही है, अब यहां पर जिलाधिकारी महोदय की जो है ड्यूटी बनती है कि वो इस लेटर को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, और मुख्यमंत्री का फिर कर्तव्य बनता है कि इन समस्याओं पर कुछ तो बहनों के लिए उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। तो ये हर किसी की अपनी अपनी जो है जिम्मेदारियां होती हैं, जो ठीक से नहीं निभाएगा तो उसका आउटपुट अच्छा नहीं निकलेगा, तो ये इन बातों पर हमेशा ध्यान रखना। आगे कहना चाहूंगा, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रहा वो लेटर जो हमारी सुनंदा तिवारी बहन ने भेजा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उत्तर प्रदेश सरकार को, तो फतेहपुर वगैरह से जिलाधिकारी के माध्यम से ये लेटर गया है, इसमें 7 सूत्री मांगे हैं, उन्हीं के संबंध में मैं बात भी कर लूंगा। तो आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये कुछ और तस्वीरें हैं वहीं से, जो काफी सारी और भी हमारी बहनें यूनियन से संबंधित हैं वो भी गई थी, और इन सब चीजों के बारे में। अब मैंने एक चीज और नोटिस की है 8 जून की हड़ताल में,
मेरा फोकस हर जगह रहा, मैंने देखा हर जगह आंगनबाड़ी बहनें ही दिखाई दी सड़कों पर, और कोई ना तो ट्रेड यूनियनों में कर्मचारियों की भीड़ रही ना तो कुछ रहा। मैं यही तो आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि जब आपके पास खुद ही इतनी ताकत है, आप खुद ही इतनी ज़्यादा संख्या में है, तो आप अपना अलग से धरना करिए ना, क्योंकि आप अपनी समस्याओं को लेकर के जब अकेले की आगे बढ़ते हैं तब सरकार उनको पूरा नहीं करती, उसमें भी लापरवाही करती है, कहती है हमारे पास बोझ आ जाएगा, हम पैसा नहीं बढ़ा सकते, समस्या ये इतनी नहीं, हम इतनी जल्दी पूरी कर सकते। तो कैसे हम लोग जब सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एक साथ तमाम विभागों के चल रहे हैं तो वहां पर हमारी समस्याएं नीचे दब जाएंगी, ये लाजमी है। तो यहां पर सच और झूठ का एक अलग मकसद है, लेकिन यहां पर कहते हैं ना कि वो दिमाग का खेल होता है सारा, रणनीति का, तो यहां पर वो समझने की जरूरत थी, इस वजह से मैं रोक रहा था हमेशा के लिए। बाकी अगर बहनें आवाज उठाती हैं तो हमारा ये भी फर्ज है कि उनकी आवाज को भी हम दूर तक ले जाएं, क्योंकि काम ही मेरा ये है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब बहनें जब साथ हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी भीड़ भी है, और आगे देख सकते हैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से देशव्यापी हड़ताल में आवाज वगैरह बहनें उठाती हुई। अब बहन सुनंदा तिवारी ने हमें लेटर वगैरह भी भेज रखा है, उस लेटर की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या कहा है इस लेटर में। उनका कहना है, सुधांशु भाई, बहन को याद रहेगी ये देशव्यापी हड़ताल, बरसते पानी में सैकड़ों आंगनबाड़ी सहायिका बहनों ने बता रही हैं। यहां पर देख सकते हैं कि जनपद फतेहपुर की नहर कॉलोनी से जोरदार नारेबाजी कर देश के प्रधानमंत्री जी को अपनी बात जो है जो सात सूत्री यानी कि है बात नहीं है यहां पे सात सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी जो फतेहपुर श्री संजीव कुमार सिंह को सात जो है बिंदुओं पर चर्चा की व माध्यम से ज्ञापन भी सौंप कर मांग की गई है। और यहां पर उनका कहना है, महंगाई के इस दौर में इतना काम जितने कम मानदेय में हम समूचे देश की आंगनबाड़ी सहायिका मिनी आंगनबाड़ी बहने दिन भर विभागीय व गैर विभागीय कार्यों को संपादित करती हैं, तुच्छ भेंट देकर प्रधानमंत्री जी पोषण कार्यक्रम शुरू कर जो है पूरा काम वो सात सज्जा का मॉडल हमारे ही मानदेय की धनराशि से जो है व्यय करवाकर पोषण मिशन जो कार्यक्रम की सुर्खियां ले रहे हैं, मोबाइल देकर कीमत 10,000 जो है वो दर्ज करके और हमारे साथ घटिया व जो है कम कीमत का मोबाइल देकर केवल बहनों को गुमराह कर रहे हैं, साथ ही रिचार्ज भी नहीं करवाते। ये सारी समस्याएं इनके बारे में हम एक एक करके आपके सामने जिक्र कर चुके हैं। आगे देख सकते हैं यहां पर लिखा है, बैटरी कभी जल जाती है मोबाइलों की, यही सब जो है चलता रहता है। और रही बात हार्ट टूट योजना की, तो उन्होंने कहा जानबूझकर प्रधानों के संबद्ध खाते में भेजा गया है पैसा और खुला धनराशि का दुरुपयोग हमारी बहनों के उत्पीड़न के लिए भी जो है दोषी वगैरह सिद्ध हो सकता है। तो यहां पर जो समस्या थी खासकर कि इन चीजों को लेकर कि पैसा उनके अंडर जाएगा, खाना वो मनाएंगे, इसमें फिर आंगनबाड़ी बहनें बेचारी किस किस से लड़ाई वगैरह लेंगी। अगर ग्राम प्रधान मान लीजिए खाना नहीं बनाता है या फिर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, हर जगह का एक जैसा नहीं है कि अच्छे ही लोग हैं, बहुत से जगह गुंडागर्दी भी बहुत ज्यादा चलती है, तो इस वजह से मैं इस उद्देश्य से आपको समझा रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं तो इसके बारे में काफी सारी बहनों ने मांगे वगैरह भी, आप देख सकते हैं मांगे को लेकर के 21,000 रुपए उन्होंने भेज रखा है कि 21,000 और साथ में 10,000 वगैरह प्रोत्साहन, जो 1500 प्रोत्साहन था वो भी जो है परिवर्तित करना है मानदेय वगैरह में, कि प्रोत्साहन ना होकर के मानदेय होता। अगर मानदेय होता तो आप लोगों के खाते में आज तक आ गया होता, अब प्रोत्साहन है सरकार बहाना क्या कहती है कि आंगनबाड़ी काम नहीं अच्छा कर रही है। लेकिन मैं इतना तो जानता हूं, एक बहन नहीं काम करे, दो बहन काम नहीं करे, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या इतने जिले हैं 75, वहां पर एक भी जिले में एक भी आंगनबाड़ी ने काम अच्छा नहीं किया जो उसके खाते में आप प्रोत्साहन राशि भेज सके। तो सवाल उठाने के लिए बहुत ज्यादा तरीके, कोई हमसे बैठ करके बातें तो करे, फिर मैं जवाब दूं उसको। तो यहां पर बहुत सी ऐसी समस्या है, बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिन पर कोई जवाब भी नहीं दे सकता, ना ही निदेशालय में बैठे अधिकारी कुछ बोल सकते हैं, ना ही सरकार बोल सकती, क्योंकि वो सब के सब गलत करे बैठे हुए हैं। जैसे स्मार्टफोन को ले लो, तो यहां पर ये इतना बड़ा घपला क्यों है, 5,000 और 10,000 का डिफरेंस, फोन खराब क्वालिटी के क्यों है, और हैं भी तो जबरदस्ती साइन ऐसे क्यों है, सरकारी विभागीय चीज मिल रही है तो इसमें अगर खो जाए चोरी हो जाए कुछ भी हो तो आंगनबाड़ी की जेब से पैसे काटो, तो ये तो सरासर जो है थोपने वाली चीजें हो गई ना। तो इन चीजों के बारे में आप देख सकते हैं काफी चीजें वहां पर मांगों को लेकर के उठाई गई, और हिंदुस्तान वालों में भी बहन की ये पोस्ट आप लोग देख रहे होंगे, फतेहपुर वगैरह से जो भी भाई बहन है 21,000 रुपए वेतन की मांग को लेकर के सुनंदा तिवारी बहन यहां पर आवाज वगैरह लगाती हुई। आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं मनीष ठाकुर भाई हैं, उनकी तरफ से जो है कुछ जानकारी भेजी गई है, ये रहा उनके वहां पर कुछ बहने हैं और उन्हीं के केंद्र से, और वहां पर कुछ ज्ञापन वगैरह कल भी उन्होंने सौंपे हैं, और मुजफ्फरनगर से जो लेटर दिखाया था वो हमारे मनीष ठाकुर भाई ने ही जो है भेजा है। यहां पर नाम तो भाई का ही लिखा है लेकिन वो बहन हो सकती है जानकारी जो भेज रही है, या भाई ही हो सकते हैं, तो वो एक अलग बात है। वहीं पर आगे आप देख सकते हैं अनीसा खातून बहन है, उन्होंने भी जो है धरना प्रदर्शन किया था, संख्या बल भले ही कम हो जालौन वगैरह में, लेकिन हिम्मत थी कि सरकार रोक रही है फिर भी बहनें गई हैं। मैं इसलिए समझा रहा था कि आज ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, काफी सारे लोग मिले हैं, अगर आंगनबाड़ी का स्पेशल धरना हो तो शायद सरकार को सोचे
कि यहाँ पर ज्यादा लोग आएंगे, समस्या ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो सरकार को सुनने के लिए उसमें बजट भी ज्यादा लाना होगा, जो कि सरकार के लिए संभव ही नहीं है। अब अनीसा खातून बहन की ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, और आगे कहना चाहूंगा ये कुछ और भी तस्वीरें हैं, जैसा कि बहन वगैरह अपनी सेल्फी वगैरह भी उन्होंने भेज रखी है, आगे और भी कुछ तस्वीरें हैं, जैसा कि ये पता नहीं कहाँ से हैं, लेकिन जब जो जहां जहां से यानी कि ग्रुपों में डालेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो लिख करके भी भेज देते हैं धरना स्थल कहां पर हो रहा है इन सब चीजों के बारे में। यहां पर अगर हम इसको पीछे के पोस्टर को जूम करें तो धरना वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं, माननीय गिरीश कुमार पांडे जी का ही धरना है और अपने ही उत्तर प्रदेश से, यानी कि यह संबद्ध है किसी भी जनपद से। तो आगे देख सकते हैं काफी आवाज भी उठाई गई बहनों के माध्यम से, लेकिन अब ये आवाज को देख करके या बहनों के दुख दर्द को समझना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये उन्हीं पर बस डिपेंड करता है। वहीं पर आपको बता दूं, सुमन धीमान जो बहन उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड में जो प्रीतम फैन क्लब है, यानी कि प्रीतम भाई है, फैन क्लब तो उनका एक फेसबुक पेज वगैरह होगा उस नाम से है, लेकिन प्रीतम भाई जो है तो उन्होंने आवाज लगाई है। हम इसके बारे में आप लोगों से जरूर चर्चा करने वाले हैं, आइए आपको हम दिखाते हैं और ले चलते हैं प्रीतम भाई की तरफ, उन्होंने क्या कहा और वहां पर जो राज्य मंत्री महोदय उन्होंने क्या कहा। ये तो कुछ तस्वीरें हैं जो शायद मध्य प्रदेश वगैरह से आपके सामने मैं ला रहा हूं, अभी उनकी भी मैं स्टोरी बताने वाला हूं कि वहां पर क्या माजरा चला है पूरा, और वहां पर राज्य मंत्री जी जो है रेखा जी वो क्या कह रही हैं, और वो सब कुछ गलत कह रही हैं। उनका ये कहना था, ये कुछ तस्वीरें देखते जाइए जो शायद मध्य प्रदेश से हैं या बिहार से हैं, काफी जगह से हमारे पास मैसेज वगैरह आज के लगे हैं। अब बात कर लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो अपोजिशन वाले जो एक नेता हैं या तो विधायक होंगे शायद प्रीतम भाई, तो उन्होंने आवाज लगाई आंगनबाड़ी के पक्ष में कि आंगनबाड़ी एक महीने से ज्यादा हो गया धरने पर बैठी है बरसात में, और सरकार जो है यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत वो कुछ नहीं कर रहे हैं, खबर लेने तक के लिए नहीं जा रहे हैं, ना तो समस्याओं के लिए उनको बुला रहे हैं, तो ऐसे में उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, बहने कब तक क्या करें वैसे बरसात में भीग रही है। तो ये समस्या सरकार की जो अनदेखी कह सकते हैं उसके संबंध में बताना चाहूंगा, और ये जो तस्वीरें थी ये मध्य प्रदेश से थी। तो यहां पर प्रीतम भाई ने बहनों के लिए आवाज उठाई, और प्रीतम भाई को अपोजिशन में है ना, तो इस वजह जवाब देने के लिए जो सत्ता में रेखा है राज्य मंत्री शायद, तो उन्होंने क्या कहा, उनका कहना था कि आंगनबाड़ी को हम बहुत पैसा दे रहे हैं, इतना जो 7,500 उनको ये बहुत लगता है, और उन्होंने क्या कहा, ये मात्र तीन घंटे का पैसा है कि आंगनबाड़ी सिर्फ 3 घंटे काम करती है। क्या पूरे हिंदुस्तान में पता कर लीजिए कहां कौन सा ऐसा राज्य है, क्या उत्तराखंड में ही बहने 3 घंटे ही काम करती है। ये जो गैर विभागों के कामों की जिम्मेदारी है, जो 3 घंटे से ज्यादा तो इनके ही जो केंद्र चलते हैं, और उससे ज्यादा ये गृह भ्रमण करती हैं, सामूहिक जो इनकी गतिविधियां रहती हैं मासिक वाली, वो सब बहनें करती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अगर देखा जाए तो यहां पर आंगनबाड़ी बहनें आगे निकल जाएंगी, और आप हमेशा झूठ ही बोल रही हैं यही हर कोई कहेगा। तो जरा सोच समझ के राज्य मंत्री जी को बोलना चाहिए था, क्योंकि वो तो 2.5-3 लाख पा रही है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। आंगनबाड़ी ये 4,000-5,000 अगर इनको मिल भी रहा है इतनी महंगाई में, तो ये कैसे जीवन यापन करें। आपको तो हर सुविधा मिल रही है, वो किसके पैसों से, जनता के पैसों से ना, इन्हीं के पैसों से मिल रही है जो ये कमा रही है, पूरा देश कमा रहा है। तो यहां पर आप आराम कर रहे हैं इन्हीं के पैसों में, और इनको कह रहे हैं कि ये 3 घंटे सिर्फ काम करते हैं, जबकि काम ज्यादा करते हैं। ऊपर से ये भी कहना होता है कि हम बहुत पैसा देना 7,500 अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य राज्यों को क्यों देख रहे हो, आपके वहां 20,000 संख्या है, उत्तर प्रदेश में 4 लाख संख्या है। तो यहां पर इनपुट अगर कम है तो, यानी कि अगर ज्यादा है, बहने अंदर है देश में तो यहां पर लोग भी ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है इनकम भी देश यानी कि राज्य में ज्यादा होगी, तो वहां पर देना भी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि महंगाई है वो हर जगह है, साथ में आप देख सकते हैं जिम्मेदारियां भी तो हर जगह है हर किसी के ऊपर। तो यहां पर वो कैसे पूरी करेंगे, क्या ये दे दिया जाए कि यहां पे लोग ज्यादा हैं तो हम, या कम है तो हम ज्यादा दे रहे हैं, तो ये से चीजें को मायने नहीं रखते। अब यहां पर सरकार को ही सोचना है, और वहां पर जो भी कहा गया वो भी उन्होंने एक तरह से पूरा गलत कहा। ये है हमारे निर्दलीय विधायक हैं प्रीतम, और सरकार पर उन्होंने हमला वगैरह बोला, जो भी उन्होंने कहा मैंने सुना, इनका वीडियो है बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत सही तरीके से कहा। अब इन्हीं को जवाब देते हुए वो संसद में बोली हैं, ये हैं आपकी निर्दलीय विधायक हैं प्रीतम, तो उन्होंने कहा है, नहीं ये तो रेखा जी हैं, सॉरी ये है आपकी रेखा, ये देहरादून से ही है, राज्य मंत्री हैं रेखा, और इन्होंने विधानसभा में कह रहे हैं कि मामला को उठाया है, उठाया नहीं है, आंगनबाड़ी के एक तरह से बेइज्जती वगैरह जैसी की है कि 3 घंटे काम करती हैं, हम इनको पैसा ज्यादा दे रहे हैं 7,500 दे रहे हैं, जबकि इनको खुद पता होना चाहिए, जमीन पर उतर के देखिए ना हकीकत क्या है, 3 घंटे काम कराया जा रहा है या फिर 7 घंटे या फिर 24 घंटे में 30 घंटे का काम लिया जा रहा है, तब आपको पता चलेगा, फिर ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकलेंगे। और यहां पर क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से ये बोल रही हैं कि 3 घंटे काम, तो इससे यही साबित होता है कि आप साफ साफ झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने में बहुत माहिर भी हैं। तो इसी चीज को अगर देखा जाए, जरूरत थी यहां पर, ये राज्य मंत्री हैं अगर, तो आंगनबाड़ी की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय से बात करवाएं, ये एक महीना तक कहां रही और एक महीना तक क्या चलता रहा, हिम्मत तोड़ने की तो साजिश है। तो ये सब कुछ जो चल रहा है ये सब गलत चल रहा है, बहने देख रही है, और इसका आउटपुट जो आपका जरूर आएगा, जैसे झारखंड में आ चुका है, झारखंड में सरकार सत्ता बदल हो गया और आंगनबाड़ी के बदले ही हुआ है।
आने वाले नए मुख्यमंत्री आगे क्या करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, वो भी धोखा देते हैं तो तब भी बदलेगा, क्योंकि हमारे देश की रीति रिवाज ही ऐसे चलते आए हैं कि धोखा ही मिलता है जनता को। पहले लालच दो, खींच लो वोट, उसके बाद में 5 साल हम राज करेंगे, 5 साल तुम करना। अगर यही सब सिस्टम चल रहा है तो फिर ऊपर वाला तो देख रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा ही उसका निर्णय। बाकी यहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसके बारे में तो कम से कम सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर बहनों को कम पैसे मिल रहे हैं, मेहनत ज़्यादा है उनकी इस संबंध में। तो आगे आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे इसके संबंध में, अगला वीडियो आएगा हमारे पास जिसके बारे में मैं श्यामा बहन का एक लेटर है इसके संबंध में चर्चा करूंगा। बहुत ही अच्छी जानकारी निदेशालय की तरफ से 7 जनवरी का निकला हुआ एक लेटर, उसके बारे में सुधांशु पटेल चैनल पर चर्चा करने वाले। तो जो भी भाई बहन उसको देखना चाहते हैं आ जाइए सुधांशु पटेल चैनल पर। धन्यवाद।